हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम जानेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में आइए पहले देखते हैं डेफिनेशन इनर प्रोडक्ट ऑन ए वेक्टर स्पेस लेट वी ऑफ एफ बी ए वेक्टर स्पेस वेयर एफ इज़ आइदर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स और द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इनर प्रोडक्ट ऑन वी इज ए फंक्शन फ्रॉम वी क्रॉस वी टू एफ विच असाइन टू ईच ऑर्डर पेयर ऑफ वैक्टर्स एल्फाबीटा इन वी To a scalar inner product of alpha beta in such a way that these properties should satisfy that is first inner product of A alpha plus B beta gamma equal to A inner product of alpha gamma plus B inner product of beta gamma. Second, inner product of alpha beta equal to inner product of beta alpha bar. This property is known as conjugate proper symmetry. Third, इनर प्रोडक्ट ऑफ alpha एल्फा इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ alpha एल्फा इक्वल टू जीरो इफ़ एंड ओनली एफ एल्फा इक्वल टू जीरो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज नॉन निगेटिविटी एंड दिस प्रॉपर्टीज़ आर सेटिस्फाइड फॉर ऑल एल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू वी एंड ए बी बिलोंग्स टू एफ तो वी ऑफ़ यदि हम वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड ले रहे हैं जहां पे f जो है रियल नंबर का फील्ड भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड भी हो सकता है वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन हमने पढ़ी है वेक्टर स्पेस में वेक्टर्स जो हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं आपको मालूम है कि वी प्लस अबेली ग्रुप होगा फिर उसके बाद एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन उसमें डिफ़ाइन होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए और ये जो स्केलर क्वांटिटीज होंगी वो फील्ड पे फील्ड के एलिमेंट्स होंगे इनके साथ ही साथ इन दोनों Uh, के साथ जो चार प्रॉपर्टीज और सेटिस्फाई होती हैं जैसे ए इन एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए डॉट एल्फ़ा प्लस ए डॉट बीटा ए प्लस बी डॉट एल्फा एक टू एल्फा प्लस बी एल्फा ए डॉट एल्फा इक्वल टू ए डॉट बी एल्फ़ा और वन डॉट एल्फा इक्वल टू एल्फ़ा ये सारी प्रॉपर्टीज जो है फॉर ऑल एल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी के लिए सेटिस्फाई होती हैं और वन जो है ए जो है वो ए बी जो है वो एफ़ के एलिमेंट है वन जो है वो एफ़ का यूनिट एलिमेंट है फील्ड फील्ड के भी डेफिनेशन आपको मालूम है एफ प्लस जो है अबेली ग्रुप होगा एफ डॉट सेमी ग्रुप होगा इसके साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी उसमें सेटिस्फाई होंगी और इनके अलावा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन यूनिट एलिमेंट भी होगा और साथ ही साथ नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है वो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी रखेगा तो ये सारी प्रॉपर्टी फील्ड के लिए होती है तो वी ऑफ एफ जो है वेक्टर स्पेस है फील्ड तब इनर प्रोडक्ट जब V पे हम डिफाइन करते हैं तो वो एक फंक्शन होता है जो कि V क्रॉस V से F में फंक्शन है जो कि असाइन करता है हर ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वेक्टर्स अल्फा बीटा को टू ए स्केलर इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा। इन सच ए वे ऐसे इस टाइप से डिफ़ाइन होता है कि ये तीन प्रॉपर्टीज़ उसमें सेटिस्फाई होती हैं जो कि है लीनियरिटी प्रॉपर्टी उसके बाद है कॉन्जुगेट सिमेट्री और तीसरा है नॉन निगेटिविटी लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमको बताती है इनर प्रोडक्ट ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा गामा अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा गामा प्लस बी इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा गामा सेकेंड जो प्रॉपर्टी सेटिसफाई होती है वो है इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा का बार जो कि कहलाती है कॉन्जुगेट सिमेट्री और तीसरी प्रॉपर्टी है इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा अल्फा इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो एंड अल्फा अल्फा इक्वल टू जीरो इफ़ एंड ओनली इफ अल्फ़ा इक्वल टू जीरो और ये प्रॉपर्टी कहलाती है नॉन नेगेटिविटी ये सारी प्रॉपर्टी सभी अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू वी के लिए और ए बी बिलोंग्स टू एफ़ के लिए सेटिसफाई होती हैं हमारा पूरा इनर प्रोडक्ट स्पेस जब हम पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कि इन्हीं तीन प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है ये इनर प्रोडक्ट प्रॉपर की प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई होती है वेक्टर स्पेस पे तो उसी को हम बोलते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस आइए देखते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन यहाँ पे आपको एक बात बता दें कि अगर फील्ड रियल नंबर का है तो हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा है कि उस केस में बीटा अल्फा इनर प्रोडक्ट का बार जो हम लेते हैं वो वापस वो बार की जगह सिर्फ इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा ही रहेगा मीन्स आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे अगर रियल नंबर का फील्ड है तो वो हो जाएगी इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फ़ा और वो कहलाएगी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने दोनों नोटेशन जो यूज़ किए हैं तो ये इस टाइप से है कि आप इनर प्रोडक्ट के लिए ऐसा ये मेन जो सिंबल होता है ऐसा होता है लेकिन हम उसको इस प्रकार से भी शो कर लेते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो आपका है कि ये जो हम सिंबल ले रहे हैं तो इनर प्रोडक्ट के लिए है ये एलिमेंट जो है एफ में बिलोंग करेगा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इज एन एलिमेंट ऑफ एफ इज स्केलर क्वांटिटी हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है और इसको हम बोलते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर एल्फा एंड बीटा अब आते हैं हम इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन पर ए वैक्टर स्पेस वी एफ टूगेदर विद एन इनर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एन इनर प्रोडक्ट स्पेस तो वेक्टर स्पेस जिस पर इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है वो कहलाता है आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस वी ऑफ एफ इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस देन इट इज कॉल्ड यूक्लिडियन स्पेस इफ एफ इज द फील्ड ऑफ रियल नंबर अगर फील्ड जो हमारा है रियल नंबर का है तो हम उसको यूक्लिडी स्पेस बोलेंगे और यही यूनिटरी स्पेस कहलाएगा इफ एफ जो है वो फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे एक और छोटी सी बात आपको बताना चाहेंगे कि इनर प्रोडक्ट ऑफ जीरो जीरो वेक्टर अगर हम ले रहे हैं तो हम जानते हैं कि वेक्टर जीरो को हम स्केलर जीरो इंटू वैक्टर जीरो से डिनोट कर सकते हैं तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं और यहाँ पे जब हम लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वो आपको इस प्रकार से मिलेगा विच इज इक्वल टू जीरो मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर जीरो जो है वो हमको मिल जाता है जीरो अब हमने तीन प्रॉपर्टी देखी uh, है इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए सेटिस्फाई होगी जो लीनियरटी प्रॉपर्टी है आपकी कॉन्जुगेट सिमेट्री है और नॉन निगेटिविटी है उन्हीं के बेस पे हम ये थ्योरम प्रूव करेंगे लेट वी ऑफ एफ बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस देन फॉर एवरी अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू वी एंड ए बिलोंग्स टू एफ़ वी हैव फर्स्ट इनर प्रोडक्ट ऑफ ए अल्फा बीटा इक्वल टू ए इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा और सेकेंड जो हमको प्रूव करना है वो है इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा ए बीटा इक्वल टू ए बार इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा तो हम पहले आपके लिए यहाँ पे अपन प्रूव करने के पहले हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे लिनरटी प्रॉपर्टी लिख दी है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा गामा होती है इनर प्रोडक्ट के लिए प्रॉपर्टी तो इनर प्रोडक्ट ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा गामा इक्वल टू होता है ए इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा गामा प्लस बी इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा गामा अब यहाँ जो हमको प्रूव करना है इसमें आप देख रहे हैं कि हमारा जो बी है यहाँ पे वो तो जीरो हो गया ए अल्फा के साथ कुछ नहीं है बी बीटा वाला टर्म जीरो है तो हम स्केलर क्योंकि ले सकते हैं जीरो तो हम स्केलर को जीरो ले रहे हैं यहाँ पे बी इक्वल टू जीरो और यहाँ पे गामा जो हमारा है वो यहाँ पे जो आपको प्रूव करना है उसमें बीटा का रोल कर बीटा का रोल है उसमें तो गामा इक्वल टू बीटा है रखेंगे वैल्यूज़ तो हमको मिलेगा ए अल्फा बीटा इक्वल टू ए अल्फ़ा बीटा यहाँ से आप इजीली इसको कर सकते हैं इसी प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया है तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ आपका सेकेंड पार्ट जो है अल्फा ए बीटा इक्वल टू ए बार इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा ए बीटा इक्वल टू ए बार इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा हमको प्रूव करना है तो हम शुरू करेंगे लेफ्ट साइड से तो एल्फ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा ए बी ए बीटा क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बार बाहर है और फिर इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा तो हमको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ऐसे केस में हम कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं अल्फा ए बीटा को हमने लिखा ए बीटा एल्फ़ा का होल बार इनर प्रोडक्ट ऑफ एल्फा बीटा इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ ए बीटा एल्फा का होल बार बाय कॉन्जुगेट सिमेट्री अब यहाँ से हमने इनर प्रोडक्ट की इनर प्रोडक्ट के लिए जब प्रॉपर्टीज देखी थी उसमें देखा है कि इसको हम लिख सकते हैं ए बार इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा बार इसको अलग अलग कर सकते हैं हम तो ये हो जाएगा ए बार इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा का बार ये वाली प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एल्फा बीटा मीन्स हमको मिला इनर प्रोडक्ट ऑफ एल्फा ए बीटा इक्वल टू ए बार इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा तो ये सब ये जो दोनों आपके थ्योरम में हमने प्रूव की प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसको हम आगे और प्रॉब्लम्स में भी यूज़ करेंगे तो इनको हमने पहले वाले को आपने लीनटी प्रॉपर्टी से प्रूव कर लिया और दूसरी वाली कंडीशन जो है वो हमने कॉन्जुगेट सिमेट्री आप देख के जब आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे समझ जाएंगे कि हम इसमें कॉन्जुगेट सिमेट्री लगा रहे हैं ये लीनियरटी से सॉल्व हो रहा है क्योंकि पूरा हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस इन्हीं तीन जो हमारे पे प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे बेस्ड है बहुत इजीली हम उनको सॉल्व कर सकते हैं तो आज के लेक्चर में इतना ही ये रेफरेंसेस हैं जो हमने यूज़ किए तो प्रैक्टिस करते रहिए पढ़ते रहिए अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ हम आएंगे थैंक यू